जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। आई'ड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द पीपल हु हैव रेजिस्टेड दिस ऑनस्लॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद।